आपने गाड़ी कैसे रोकी? पापा हमारे विधायक, कहती हुई यह लड़की भाजपा विधायक अरविंद निम्बावली की बेटी रेणुका निम्बावली है, जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में राजभवन के पास जमकर हंगामा की। राजभवन के पास जब रेड क्रॉस कर इसकी BMW कार को पुलिस ने रोका तो उसने उतर कर गालियां देनी शुरू कर दी। उसने कहा, यह विधायक की गाड़ी है, मेरे पापा BJP के विधायक हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने कार का चालान काट ही दिया। बात बता दें, विधायक लिम्बावली ने अपनी बेटी की तरफ से माफी मांग ली है, लेकिन लड़की की हरकत का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में लड़की बोल रही है, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? क्या आप विधायक अरविंद लिम्बावली को जानते हैं? मैं अरविंद लिम्बावली की बेटी हूँ। आप मुझ पर ओवरटेक करने का मामला नहीं डाल सकते, यह एक विधायक की कार है। जब पुलिसकर्मी ने चालान के पैसे मांगे तो उन्होंने कहा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है और किसी को मेरे घर भेज दो, मैं जुर्माना भर दूंगी। इसके अलावा मीडिया से भी बदतमीजी करते नजर आई। जब मीडिया वालों ने कैमरा बंद नहीं किया तो तेज से चिल्लाकर बोली कि कैमरा बंद करो, और पूछा तुम कहां से हो। मामले को तूल पकड़ता देख भाजपा विधायक अरविंद लिम्बावली ने माफी मांगी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगर मेरी बेटी के बर्ताव से किसी को बुरा लगा है तो मैं माफी मांगता हूँ। विधायक ने कहा है कि मैंने वीडियो देखा है, मेरी बेटी ने मीडिया के लोगों को सर कहकर संबोधित किया है, अगर मीडिया को ठेस पहुंची है तो मैं अपनी बेटी की ओर से उनसे भी माफी मांगता हूं। वहीं जनता दल सेक्युलर के प्रवक्ता तनवीर अहमद ने विधायक की बेटी को कानून सीखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बच्चों के दिमाग में सत्ता चली गई है, यह अरविंद लिम्बावली का सवाल नहीं है, यह पूरे भारत में हो रहा है। नेताओं के बच्चों को समझना चाहिए कि उनके माता पिता जनता के सेवक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।